नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी। न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 28 फरवरी दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आंगनवाड़ी केंद्रों में सेवाओं का लाभ लेने के लिए इन बातों का रखे ख्याल। बिहार सरकार की इन योजनाओं से मुफ्त में होगा इलाज। प्रो कबड्डी लीग के फाइनल में जगह बनाने के लिए उतरेगी पटना पायलट। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को केंद्र सरकार से मिली मंजूरी। 7,000 रुपए में खरीदे ये स्मार्टफोन। पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त आज होगी जारी। बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने हेल्थ अपडेट वीडियो को किया शेयर। अब चलिए बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। ऑपरेटर कम तकनीशियन के पदों पर SAIL में निकली भर्ती। ऑपरेटर कम तकनीशियन के पदों पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा 341 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 मार्च 2024 है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट SAIL.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि आपने फुल टाइम इंजीनियरिंग डिप्लोमा संबंधित क्षेत्र से किया हो। साथ ही उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को इसमें छूट दिए जाएंगे। उम्मीदवारों की आयु सीमा की गणना 18 मार्च 2024 से होगी। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में सेवाओं का लाभ लेने के लिए इन बातों का रखें ख्याल। आंगनवाड़ी केंद्रों में सेवाओं का लाभ लेने के लिए कई बातों को ख्याल रखना जरूरी है। समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय एक महत्वपूर्ण योजना है। आंगनवाड़ी केंद्रों में सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इन केंद्रों में सेवाओं का फायदा लेने के लिए कई बातों का ख्याल रखना जरूरी है, जैसे आधार कार्ड के साथ पंजीकरण जरूरी है। साथ ही पोषक ट्रैक्टर में नामांकन या पंजीकरण होना चाहिए। मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की संख्या का सत्यापन के बाद आभा ID बनाई जाती है। इसमें लाभार्थी का मेडिकल रिकॉर्ड होता है। इसे चिकित्सकों के साथ शेयर किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए icds.bihar.gov@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है। बिहारी बतरे में आज हम बात करेंगे अफरोज आलम साहिल के बारे में। ये पेशे से एक पत्रकार और ऑथर हैं। इनका जन्म आज के ही दिन वर्ष 1987 में बिहार के पश्चिम चंपारण में हुआ था। ये एक फ्रीलांस के तौर पर कई प्रसिद्ध मीडिया चैनल जैसे BBC, हिंदी, द प्रिंट, इंडिया टाइम्स, डाउन टू अर्थ और टू सर्कल्स में लिखते हैं। इन्होंने अपनी शिक्षा जामिया मिलिया इस्लामिया से हासिल की है। इनके द्वारा लिखी गई किताब में लॉकडाउन डायरीज शामिल है। बिहार सरकार की इस योजना से मुफ्त में होगा इलाज। बिहार में गरीबों को मुफ्त में इलाज कराने के लिए नहीं सोचना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से वंचित लोगों के लिए बिहार सरकार मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की है। स्वास्थ्य विभाग और आपूर्ति विभाग ने गरीबों का कार्ड बनाने के लिए हाथ मिलाया है। इसके अंतर्गत दोनों ही विभाग की ओर से जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं और CSC संचालकों को प्रशिक्षण के साथ ही योजना की पूरी जानकारी दी जाएगी। जल्द ही हर जरूरतमंद के पास मुफ्त में इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड की सुविधा होगी। स्वास्थ्य विभाग और आपूर्ति विभाग दोनों ही मिलकर इसके लिए काम करेगी। मालूम हो कि आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए राशन कार्ड जरूरी होगा। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को केंद्र सरकार से मिली मंजूरी। बिहार के शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। दरअसल शिक्षा विभाग ने 71,000 विद्यालयों में नए कक्षाओं के निर्माण पर 272 करोड़ खर्च करने का फैसला किया था। इसकी राशि केंद्र सरकार से नए वित्त वर्ष में केंद्रांश के तौर पर दी जाएंगी। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। इस राशि को बिहार के स्कूलों के विकास कार्य में लगाया जाएगा। स्कूलों की रंगाई पुताई की जाएगी, मरम्मत होगी, साथ ही यहाँ फर्नीचर से लेकर पंखा, लाइट और प्रिंटर आदि को खरीदा जाएगा। 2,379 माध्यमिक और उच्च स्कूलों में 2-2 स्मार्ट क्लास का निर्माण किया जाएगा। इसमें बच्चों को कंप्यूटर और प्रोजेक्टर की मदद से पढ़ाया जाएगा। प्रो कबड्डी लीग के फाइनल में जगह बनाने के लिए उतरेगी पटना पायरेट्स। प्रो कबड्डी लीग के फाइनल में जगह बनाने के लिए पटना पायरेट्स की टीम आज सेमीफाइनल का मुकाबला खेलेगी। पटना पायरेट्स ने 3 बार इस मुकाबले को अपने नाम किया है। प्रो कबड्डी लीग के सीजन 10वें में सेमीफाइनल मुकाबले में टीम पुनेरी पल्टन के साथ मैच खेलेगी। मालूम हो कि सेमीफाइनल का मुकाबला हैदराबाद के GMC बाला योगी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने वाला है। वहीं पटना पायरेट्स की टीम यदि इस मुकाबले को अपने नाम करती है तो 4 बार चैंपियन बनने का रिकॉर्ड पटना की टीम के पास होगा, जबकि इस टीम को प्रो कबड्डी में सबसे सफल टीम माना जाता है। ये एकमात्र ऐसी टीम है जिसने जीतने का हैट्रिक लगाया है।
LNMU में होने वाली सीनेट की बैठक स्थगित। LNMU में 27 फरवरी को होने वाले सीनेट की बैठक को स्थगित कर दिया गया है। कुलपति संजय कुमार चौधरी के आदेश से कुल सचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित ने सूचना जारी की है। बैठक को अपरिहार्य कारणों से स्थगित करने की सूचना दी गई है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने इस बात की जानकारी साझा की है। जानकारी के अनुसार ये बैठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बुलाई थी। आपको बता दें कि सीनेट की बैठक में विश्वविद्यालय का वार्षिक बजट पेश करने के नियम के खिलाफ बताते हुए सीनेट के सदस्य ने अपना विरोध दर्ज किया था। इसके बाद अब शिक्षा मंत्री ने इससे संबंधित नियम स्थगित कर दिए हैं। बिहार में 50 साल पुराने डैम को मिलेगा नया जीवन। बिहार में 50 साल पुराने डैम को नया जीवन मिलेगा, इससे किसानों को फायदा होगा। दरअसल बांसकुंड, मोरवे और आंजन डैम से गंगा का पानी भरा जाएगा। इसकी मदद से खेतों में पानी पहुंचेगा। 25 डैम और बराज को नए सिरे से दुरुस्त किया जाएगा। जानकारी के अनुसार पिछले 3 सालों में इन डैम में 35% तक पानी हुआ करता था, इस कारण इसमें गंगा का पानी भरा जाएगा। इसके बाद खेतों में पानी पहुंचाना संभव हो जाएगा, साथ ही भूगर्भ जल का स्तर भी बढ़ेगा। सरकार इस परियोजना पर 4,415 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वहीं इस योजना के पूरे होने में 6 साल तक का समय लगेगा। ये परियोजना 7 निश्चय 2 की 2 जरूरी श्रेणी जल जीवन हरियाली और हर खेत तक सिंचाई का पानी का हिस्सा है। परीक्षा की तैयारी के लिए स्वर्ण छात्रों को भी मिलेगी प्रोत्साहन राशि। प्रभारी मंत्री प्रेम कुमार ने बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान कहा है कि बच्चों की दयनीय स्थिति को देखते हुए स्वर्ण परिवार के गरीब बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा में प्रोत्साहन राशि देने पर विचार किया जाएगा। इस पर निश्चित तौर पर समीक्षा की जाएगी। इसे लेकर सरकार जल्द ही कोई रास्ता निकालेगी, विभाग इसके लिए समीक्षा करेगी। प्रेम कुमार ने कहा है कि सरकार इसके लिए 1 महीने के अंदर ही समीक्षा करेगी। अगर सरकार को लगेगा कि सामान्य श्रेणी के छात्रों को प्रोत्साहन राशि देनी चाहिए तो सरकार इस पर विचार करेगी। दरअसल विधानसभा में कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा ने स्वर्ण छात्रों को प्रोत्साहन राशि देने की मांग उठाई है। इस पर प्रभारी मंत्री प्रेम कुमार ने जवाब दिया है। 7,000 रुपए में खरीदेगी बजट स्मार्टफोन। कई लोग 7,000 रुपए में कम की लागत में एक बढ़िया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। मोटोरोला मोटा G04 एक अच्छा विकल्प है। इसकी कीमत 6,999 रुपए से शुरू है। इसमें ग्राहकों को 6.6 इंच की HD+ स्क्रीन मिलती है। वहीं सैमसंग गैलेक्सी F04 फोन की कीमत 5,999 रुपए है। इसका डिस्प्ले 6.5 इंच का फुल HD है। इसमें 13 MP ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप है। इसके बाद इनफिनिक्स कंपनी का स्मार्टफोन 8 HD है। इसकी कीमत 6,399 रुपए है। इसमें 6.6 इंच का डिस्प्ले है। आपको बता दें कि इन सभी फोन की बैटरी 5,000 mAh तक की है। वहीं पोको C55 की कीमत 5,099 रुपए है। इसमें यूजर्स को 6.71 इंच की HD+ स्क्रीन मिलती है। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे पंथ पाकर के बारे में। यह स्थान सीतामढ़ी जिले से 8 किलोमीटर दूर एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक श्री राम और माँ सीता के विवाह के बाद माँ सीता के पालकी को अयोध्या ले जाने के दौरान यहाँ पर विश्राम के लिए रोका गया था। यहाँ स्थित एक बरगद के पेड़ के नीचे ही माँ सीता ने विश्राम किया था। यहाँ पर पाकर का एक विशाल वृक्ष भी है। ये वृक्ष विशाल तरीके से पौराणिक स्थल के चारों तरफ फैला हुआ है, जिसका नजारा देखते बनता है। यदि आप किसी धार्मिक स्थल पर घूमने का शौक रखते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त आज होगी जारी। पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त की राशि आज जारी होगी। इससे पहले 15 नवंबर को 15वीं किस्त जारी की गई थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जारी किया था। मालूम हो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपए की राशि भेजी जाती है। ये राशि हर महीने के अंतराल में 3 किस्तों में ट्रांसफर होते हैं। हर किस्त में किसानों को 2,000 की राशि मिलती है। पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के भूलेखों का अंकन, बैंक खातों की आधार सीडिंग व पीएम किसान पोर्टल पर EKYC का काम करना जरूरी है। अधिक जानकारी के लिए इसके आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जानकारी ली जा सकती है। बीपीएससी शिक्षकों को PRAN के बिना नहीं मिलेगी सैलरी। बीपीएससी शिक्षकों को PRAN के बिना सैलरी नहीं दी जाएगी। जानकारी के अनुसार कुछ दिनों पहले शिक्षा विभाग ने बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज 1 के करीब 1% शिक्षकों को PRAN से संबंधी जानकारी साझा करने के लिए कहा था। इसके जरिए ही शिक्षकों के अकाउंट में उन्हें सैलरी भेजी जाएगी। प्राण का अर्थ है नेशनल पेंशन स्कीम के लिए सब्सक्राइबर को अलर्ट किए जाने वाला अकाउंट का नंबर। ये पैन कार्ड की ही तरह 10 डिजिट का एक यूनिक नंबर होता है। वैसे तो पैन कार्ड का नंबर 10 डिजिट का ही होता है। नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करने वाले लोगों के लिए प्राण अधिक जरूरी है। इसे नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के द्वारा जारी किया जाता है।
दरभंगा में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा। दरभंगा में आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कार्यक्रम है। यहां वे जनसभा को संबोधित करेंगे। इसे लेकर जिला प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है। एसपी सहित आला अधिकारियों ने मौके का जायजा लिया है। सुरक्षा की तैयारी पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। मालूम हो कि रक्षा मंत्री बिरौल अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के सीमा पर स्थित जनता उच्च विद्यालय में जनसभा का आयोजन किया गया है। रक्षा मंत्री यहां हवाई मार्ग से पहुंचेंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी रक्षा मंत्री के आगमन को लेकर तैयारी की है। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि ये कार्यक्रम दरभंगा की धरती पर ऐतिहासिक साबित होगा। आज का मौसम रहेगा शुष्क। आज कल के मौसम में कई जगहों पर बादल छाए रहने के कारण मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। महीने के आखिरी दिन तक बारिश की संभावना जताई गई है। ये बारिश की संभावना पश्चिमी विक्षोभ के कारण बन रही। हालांकि प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने वाला है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। आने वाले 3 से 4 दिनों में प्रदेश के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में किसी प्रकार के परिवर्तन की संभावना नहीं जताई गई है। सभी पार्क और जू के समय में 1 मार्च से होगा बदलाव। पटना के सभी पार्क और जू के खुलने के समय में 1 मार्च से बदलाव किया जाएगा। राजधानी के जू, इको पार्क सहित सभी पार्क के खुलने और बंद होने का समय बदल जाएगा। पटना का चिड़ियाघर सुबह के 5 से 6 बजे तक के लिए खुला रहेगा। सुबह के 8 बजे तक मॉर्निंग वॉक करने का समय है। इसके बाद आम लोगों के लिए काउंटर खोले जाएंगे। दूसरी ओर सभी पार्क सुबह के 5 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक के लिए खोले जाएंगे। मालूम हो कि ठंड के कारण जू और पार्कों के समय को बदला गया था। ठंड के इस समय में जू सुबह के 6 बजे से शाम के 5 बजे तक खुलता था, जबकि पार्क सुबह के 5:30 बजे से शाम के 7:30 बजे तक के लिए खुला रहता था। अब ये रात के 8 बजे तक खुले रहेंगे। बिहार में महागठबंधन के 3 विधायक एनडीए में शामिल। बिहार में महागठबंधन को एक बार फिर से झटका लगा है। कांग्रेस और आरजेडी के विधायक टूट गए हैं। कांग्रेस के विधायक सिद्धार्थ सौरभ और मुरारी गौतम सत्ता पक्ष के साथ बैठ गए। इनके साथ ही राजद से विधायक संगीता देवी भी सत्ता पक्ष के साथ नजर आई हैं। मालूम हो कि बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में यहां राजनीति में भी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के सिद्धार्थ सौरभ, मुरारी गौतम और आरजेडी की संगीता देवी एनडीए के साथ मिल गई हैं। चर्चा हो रही है कि ये तीनों ही नेता भाजपा में शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस और आरजेडी के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि पहले आरजेडी के 2 विधायक चेतन आनंद और नीलम देवी टूटे थे। तेजस्वी यादव ने जनविश्वास यात्रा के दौरान खेला क्रिकेट। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जनविश्वास यात्रा के दौरान क्रिकेट खेला है। वे हाथ में बल्ला पकड़कर पीच में नजर आए। कटिहार में तेजस्वी यादव ने क्रिकेट खेला। उनके जोश को देखकर राजद के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिली है। तेजस्वी यादव के क्रिकेट खेलने के दौरान कार्यकर्ता और समर्थक सिक्सर और विराट कोहली के नाम के नारे लगाने लगे। वहीं तेजस्वी यादव एक खिलाड़ी के रूप में नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम ने इस दौरान रोड शो भी किया है। उन्होंने लोगों से कहा कि उनकी यात्रा को जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। जनता की भीड़ और समर्थकों का उत्साह देखकर तेजस्वी यादव काफी खुश दिखे। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के खेला वाले बयान को लेकर कसा तंज। महागठबंधन के 3 विधायकों के अचानक पाला बदलने के बाद बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। वहीं सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के खेला वाले बयान को लेकर तंज कसा है। इन्होंने कहा है कि खेला की बात कहने वाले को हम लोग बार बार खिलौना दे रहे हैं। जो खेल की बात कह रहे थे उसे हम लोगों ने खिलौना दे दिया है। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान राजद के साथ खेला हो गया था। उनके विधायक सत्ता पक्ष के साथ बैठ गए। वहीं एक बार फिर से कांग्रेस के 2 और राजद की 1 विधायक एनडीए में शामिल हो गए हैं। विधायकों के पाला बदलने पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि वो माई बाप की पार्टी है। उनसे मेरी आग्रह है कि वे माँ बाप की सेवा करें। हम लोगों के लिए माँ बाप बिहार की जनता है। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब अगली सुनवाई 5 मार्च को होगी। गोपालगंज के पूर्व डीएमजी कृष्णैया की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर लगातार सुनवाई की जा रही है। पिछली सुनवाई 6 फरवरी को हुई थी। इसमें पूर्व सांसद को अपना पासपोर्ट जमा करने और हर 15 दिन में हाजिरी लगाने का आदेश दिया गया था। केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जवाब भी मांगा था। इस मामले में कोर्ट में विस्तृत सुनवाई होना तय था, लेकिन किसी कारण से यहां सुनवाई टल चुकी है। अब अगली सुनवाई 5 मार्च को तय की गई है।
राजद विधायक के 4 ईडी की छापेमारी पर तेजस्वी यादव ने दी प्रतिक्रिया। राजद विधायक के घर ईडी की छापेमारी पर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हम ऐसी कोई भी छापेमारी से कोई फर्क नहीं पड़ता है और इसका मतलब है कि भाजपा के लोग घबराए हुए हैं। ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स की छापेमारी का मतलब है कि भाजपा के लोग डरे हुए हैं और हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ईडी की छापेमारी को पूरी तरीके से राजनीतिक करार दिया है। तेजस्वी यादव के बाद पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी के विधायक के यहाँ छापेमारी हुई, ये एजेंसी का काम है, इसमें कोई राजनीति नहीं है, इस कारण इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना सही नहीं है। बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने हेल्थ अपडेट वीडियो को किया शेयर। भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने आईपीएल 2024 से पहले सोशल मीडिया पर अपने हेल्थ से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में क्रिकेटर कड़ी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि वे ठीक तरीके से चल नहीं पाए। साल 2023 में सूर्य कुमार को दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर टखने में चोट लगी थी। इसके बाद उनकी सर्जरी भी हुई और क्रिकेटर मैदान से बाहर चले गए। इस बीच उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर किया है। ये उनके फैंस को काफी पसंद भी आ रहा है। सूर्य आईपीएल 2024 में खेलने के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1992 में भारत और ब्रिटेन के बीच आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। आज के दिन वर्ष 2003 में नामीबिया के राष्ट्रपति सैम नुजोमा भारत की 4 दिवसीय राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे और भारत की अस्थायी सदस्यता वाले विधेयक अमेरिकी संसद में पेश हुआ। आज के दिन वर्ष 2008 में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने आर्थिक समीक्षा संसद में पेश की और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल टीपी राजेश्वर ने वैट विधेयक को अपनी मंजूरी दी थी। आज के दिन वर्ष 1944 में भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार रविंद्र जैन का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1913 में हिंदी के प्रसिद्ध कवि लेखक और संपादक पंडित नरेंद्र शर्मा का जन्म हुआ था। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव की तारीख को लेकर वायरल हो रहे इस मैसेज के बारे में। लोकसभा चुनाव को लेकर देश में चुनाव आयोग अपने स्तर से कई तैयारियां कर रहा है। हालांकि अभी तक चुनाव की तारीख को लेकर कोई ऐलान आधिकारिक तौर पर नहीं किया गया है। बावजूद इसके व्हाट्सएप पर लोकसभा चुनाव को लेकर एक मैसेज वायरल हो रहा, लेकिन आपको बता दें कि वायरल हो रहे ये मैसेज पूरी तरह से फेक है। चुनाव आयोग द्वारा अभी तक चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। इस खबर को पीआईबी फैक्ट ने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एक्स अकाउंट से रीट्वीट किया है, जहां इस खबर को पूरी तरह से फर्जी बताया गया है। इसलिए चुनाव को लेकर वायरल हो रहे इस तरह के फर्जी खबरों पर विश्वास ना करें और शेयर करने वालों को भी शेयर करने से मना करें। पीएम मोदी के बिहार आगमन को लेकर शहनवाज हुसैन ने दी प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के बिहार आगमन को लेकर शहनवाज हुसैन ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रही है। वहीं आरजेडी की रैली पर निशाना साधते हुए भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि उनमें डर है, बिहार में सुशासन है, विपक्ष के नेता रैली की तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन आएंगे तो मोदी ही। जनता नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार पलक को बिछाकर कर रही है। जनता प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार है। एनडीए की सरकार बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, इस कारण लोगों में खुशी का माहौल है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है राजस्थान। किसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी द्वारा श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है पटना विश्वविद्यालय को, ऑप्शन बी है दिल्ली विश्वविद्यालय को, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को, ऑप्शन डी है बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को। इसका सही उत्तर है बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देश के सबसे लंबे केबल पुल सुदर्शन पुल का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है गुजरात। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 7वां अधिवेशन 3 अप्रैल 1915 को कहां हुआ था? ऑप्शन ए है पटना में, ऑप्शन बी है भागलपुर में, ऑप्शन सी है छपरा में, ऑप्शन डी है बेतिया में।
इसका संयुक्त है छपरा में। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना कब शुरू हुई थी? ऑप्शन ए है 3 अगस्त 2018 को, ऑप्शन बी है 1 दिसंबर 2017 को, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2016 को, ऑप्शन डी है 22 अगस्त 2018 को। इसका सही उत्तर है 3 अगस्त 2018 को। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है चंदन निराला, उमेश ऋषिदेव, राजकिशोर महतो, दिलीप भगत, बिट्टू कुमार, गोलू कुमार, राजीव कुमार, गौरव कुमार, रंजीत मिश्रा, रोशन कुमार, ललन कुमार, चंद्रवंशी, अरविंद कुमार मंडल, जयप्रकाश, मोहम्मद साकिर हुसैन। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार प्रधानमंत्री के बिहार दौरे से क्या भाजपा को लाभ होगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।